हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंस्टेंट भटूरे की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम समय में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट भटूरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है मैदा, और अब इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच सूजी। इससे बहुत ही अच्छे हमारे भटूरे बन के तैयार होंगे। 2 चम्मच के करीब ही ऑयल डाल देंगे, आप चाहें तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, 1/4 कप दही, फ्रेश दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। 1 चम्मच चीनी और 1/2 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पहले हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक साथ पानी ना डालें। अच्छी तरह से आटे को नीड कर लेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हम अपना आटा लगा के तैयार करेंगे उतने ही अच्छे हमारे भटूरे बन के तैयार होंगे। तो ये आटा हमने लगा के तैयार कर लिया है। अब मैं इस पर डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और इसे चिकना करके थोड़ा सा और मस लूँगी। तो ये लगभग हमारा डो तैयार हो गया है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। तो 20 मिनट हो चुके हैं, हम आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए पहले से कितना फ्लफी हो गया है हमारा आटा। भी से 1 से 2 मिनट तक दोबारा इस तरीके से नीड कर लेंगे और इस तरह से रोल करते हुए जितने बड़े साइज़ के हमें भटूरे चाहिए उतनी बड़ी बॉल हम तोड़ लेंगे। इस तरीके से रोलिंग बोर्ड पे डाल लेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसे अच्छी तरह फैला लेंगे, साथ में ही जो हमने डो लिया था भटूरे बनाने के लिए उसे भी इस तरीके से रख लेंगे और उसका एक भटूरा बना लेंगे जितना बड़ा हमें चाहिए। आप चाहे तो थोड़ी सी सूखी मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के भटूरे बना के तैयार कर रही हूँ। तो हमने ये भटूरा बेल के तैयार कर लिया है। अब मैं इसे ऑयल में डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पहले से ही ऑयल रखा हुआ था और ऑयल हमें अच्छा तेज़ गर्म चाहिए, तभी हमारे भटूरे फूलेंगे। तो मैं इस तरीके से भटूरे को डाल दूंगी और इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हुए थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारा भटूरा फूलना शुरू हो गया है। ये देखिए कितना फ्लफी हमारा भटूरा फूल गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे इस तरीके से टर्न कर दूंगी। तो बहुत ही अच्छा हमारा भटूरा फूल के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप भटूरे बनाएंगे तो आपके भटूरे कभी भी ना तो ऑयली बनेंगे और ना ही बिना फूले बनेंगे। तो ये देखिए हमारा भटूरा बनके तैयार है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं है भटूरे में। अब ऐसा ही मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। इसी तरह मैंने एक और पेड़ा ले लिया है और इसको भी मैं इसी तरह बेल के तैयार कर लूँगी। तो ये दूसरा भटूरा भी हमने बेल के तैयार कर लिया है और इसे भी इसी तरीके से गरम कढ़ाई में इस तरीके से मैं डाल दूँगी और हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ऑयल हमें बिल्कुल गर्म ही चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा भटूरा भी बनके तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे इंस्टेंट भटूरे बनके तैयार हैं। मैं इन्हें छोले के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके साथ छोले की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स आप भी ये रेसिपी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक के नीचे क्लिक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अच्छे अच्छे कमेंट करें और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं ऐसी ही रेसिपी के साथ।